नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखें दोस्तों गोडरेज सीपी की शेयर में 18 सितंबर के लिए हमें क्या क्या लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, गोडरेज सीपी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, स्टॉक आपके ऑप्शन में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है। तो इसी को ध्यान में रखें तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी स्टॉक अपन प्रीवियस के रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर स्टॉक में भी जो रेजिस्टेंस लाइन आपको नजर आ रहा है 1097 पे, और नेक्स्ट रहेगा दोस्तों 1136 में, ठीक है। और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी तेजी आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों इसी को यानी कि गोडरेजसीपी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक्जैक्टली वही कंडीशन है, और आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो तेजी मूवमेंट आएगा। अब दोस्तों अगर बात करें गोडरेजसीपी के शेयर में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन सी लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट लाइन रहेगा 1000 में रहेगा, और एक सपोर्ट लाइन देखने को मिल जाएगा आपको 995.55 में। रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिलेगा दोस्तों 1011 का रहेगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल जाएगा 1023.45 में। सो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज बनाए गए, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं। सो धन्यवाद दोस्तों।